सभी बच्चों को नमस्कार। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा जनसंख्या वृद्धि। तो कल हमने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में जो जनसंख्या जो बढ़ोतरी हुई है तो कितने कालों में हुई है, कितने काल खंडों में से बांटकर उसका अध्ययन जो है किया गया है। तो पहले हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो देखिए, जब से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया, यानी उसने घुमक्कड़ जीवन को त्यागा, जब उसे कृषि करने का ज्ञान हुआ, वह नदियों किनारे उसने बसना प्रारंभ किया, कुछ पशु उसने पालना प्रारंभ किया, पशु पालने से उसे दूध मिलने लगा, चमड़ा मिलने लगा, इसके अलावा जैसे उसने कुत्ते जैसे प्राणी को उसने पाला, इससे उसे क्या लाभ हुआ, अब उसे खुद की सुरक्षा भी मिलने लगी, साथ में जो शिकार करता था कुत्ता भी उसका जो सहयोगी शिकारी था। तो कई कारणों से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया और तभी से ही जो है विश्व की जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हो गई। उस दौरान विश्व के ऐसी बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यताओं का जो है विकास कहाँ हुआ, नदियों किनारे हुआ। मैंने पहले भी बताया कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं जिसे मेगा सिटी कहते हैं हम, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में होती है, वो नगर किसके किनारे बसे हुए हैं, नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे अब जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्तियां। तो मैं बता रहा था जनसंख्या का जो अनुमान है 18वीं सदी से पहले विश्व की कुल कितनी जनसंख्या थी, इसका अंदाजा केवल अनुमानों पर ही आधारित है। उस समय जनगणना के कोई इतने साधन नहीं थे, ना तो आज के समय मनुष्य पास तकनीक थी, ना आज के समय ना उस समय मनुष्य में बौद्धिक विकास हुआ था। इसलिए जो है 18वीं सदी से पहले विश्व की कितनी जनसंख्या थी इसका केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अब रही बात मानव का आविर्भाव उदय किस महाद्वीप में हुआ, तो मैंने पहले भी बताया अगर जो मानव का जो उदय हुआ है, जो उदय है अभिभाव है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। कितने साल पहले, आज से 10 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव का जो है उदय माना जाता है। और उस समय मनुष्य की जो जनसंख्या थी पृथ्वी पर कुछ केवल कुछ हजारों में थी, आज तो भाई विश्व की जनसंख्या अरबों में है। उस समय जो है मनुष्य की तो जनसंख्या थी पृथ्वी पर केवल कुछ हजारों में ही थी। उस समय पूर्ण रूप से चारों तरफ प्रकृति की छाप थी, प्रकृति और प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनका पूर्णतः मनुष्य पर क्या था, प्रभाव। तो देखिए पहला जो जनसंख्या वृद्धि जो कि प्रवृत्तियां काल क्रम में बांटकर इसका हम अध्ययन करें तो उसे चार भागों में जो है बांटा गया है। तो पहला काल जो है प्रागैतिहासिक काल, यदि वह काल मनुष्य के लिए भोजन प्राप्ति की शुरुआती अवस्था माना जाता है। इस काल कल मैंने बताया इस समय मनुष्य जो है आखेट करता था, यानी भोजन संग्रहण करता था, उसका जीवन क्या था, घुमक्कड़ था, उसके मतलब भोजन की निश्चितता नहीं थी, अल्प पोषण था, उसे कई बार क्या होता था, उसे भोजन भी नहीं मिलता था। तो क्या हुआ, इसी काल में जैसे जैसे महाद्वीपों से बर्फ पिघली, महाद्वीपों से बर्फ पिघली या बर्फ कम हुई, रहने लायक परिस्थितियां विकसित हुई, उस कारण जो है जनसंख्या धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों में भी जो है मानव का विस्तार होने लगा। अब आप कहोगे सर महाद्वीप तो दूर दूर है, तो बेटा पहले जो है सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, सब निगाह पड़ रहे, जब सभी स्थलखंड एक थे उसे कहा जाता है पेंजिया। इसी कारण जो है अफ्रीका महाद्वीप से मानव का जो विस्तार है अन्य महाद्वीप में हुआ, जैसे अमरीकी भूमि में हुआ, उसके अलावा आपका एशिया में हुआ,
ऑस्ट्रेलिया में और एशिया का कौन सा भाग, पूर्वी एशिया में जो है मानव का विस्तार माना जाता है। और उस समय जिस समय मानव का विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों पर हो रहा था, तो उस समय कुल पृथ्वी की जो संख्या है वो कुल कितनी मानी जाती थी, मनुष्य की संख्या मात्र 33 लाख ही मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे, जो बाद में 15,000 वर्ष बाद बढ़कर 53 लाख हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जैसे जैसे मनुष्य का बोलने का विकास हुआ, धीरे धीरे मनुष्य की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो ये तो बेटा प्रागैतिहासिक काल, इस काल में जो है कहने का तात्पर्य यह है, इसका मनुष्य की जो है शुरुआती अवस्था ये मानी जाती है। और इस काल में जो है अफ्रीका महाद्वीप से मानव का जो विस्तार अन्य महाद्वीपों में धीरे धीरे हुआ। इस काल में जो जनसंख्या जो जन्म दर की बहुत ही मंद मानी जाती है, कौन से काल में, प्रागैतिहासिक काल में। उसके बाद दूसरा काल बेटा प्राचीन काल। प्राचीन काल यानी आज से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ भागों में मनुष्य ने जो है कृषि करना, पशु पालना जो है शुरू कर दिया था। यानी 6,000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में मनुष्य का जो थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ, तो उसने नदियों किनारे पशु पालना प्रारंभ कर दिया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, नदियों किनारे उसने घर जो है बनाने प्रारंभ कर दिए। किस काल में, प्राचीन काल में। और धीरे धीरे कई सभ्यताओं का विकास किस काल में हुआ, प्राचीन काल में। विश्व की कई सभ्यताएं इस काल में पनपी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो सभ्यता, आपकी अफ्रीका की नील नदी घाटी जो सभ्यताएं हैं किस काल में पनपी, प्राचीन काल में ही पनपी जो है मानी जाती थी। यानी उस समय ये, इस समय इस काल में ये जो सभ्यताएं थे विशाल जनसंख्या के जो है विशाल जन समूह माने जाते थे। विशाल जन समूह कौन सी, नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया हो गया आपका, इसके अलावा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे, किनारे जो लोग रहते थे, वो कहलाई सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्षेत्र जो है उस समय ऐसा माना जाता है विश्व की जो आबादी है वो 20 से 30 करोड़ उस समय जो आबादी है प्राचीन काल में, इस समय विश्व की आबादी कितनी मानी जाती है, अंदाजा है केवल 20 से 30 करोड़ आबादी उस समय मानी जाती है। उसके बाद है बेटा जो तीसरा काल है वो है प्राचीन काल। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा काल बेटा सॉरी मध्य काल। मध्य काल तो देखिए बेटा इस काल में कह रहा है ये काल 700 ईस्वी से लेकर 1650 काल समय जो समय है 700 ईस्वी से लेकर से 1650 तक का समय जो मध्य काल है 700 ईस्वी से लेकर 1650 तक का जो समय इसमें माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़ मानी जाती है मध्य काल। इस समय विश्व की जनसंख्या कितनी मानी जाती है, 55 करोड़ मानी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है इस काल में जो जनसंख्या जो गति थी वो बहुत ही मंद मानी जाती है, बहुत मंदी थी। इसके अलावा और भी बेटा कारण थे उस समय, बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी के कारण उस समय जनसंख्या की जो रफ्तार थी बढ़ने की बहुत ही धीमी थी। कारण भाई अकाल, युद्ध, महामारियां,
ठीक है, बाद प्राकृतिक विद्याओं के कारण जो है उस समय इस काल में तीसरे काल में जो है विश्व की जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत मंद मानी जाती है। उसके बाद है बेटा चौथा काल आधुनिक काल, आधुनिक काल चौथा पॉइंट आधुनिक काल का बेटा जो समय है उस सत्रहवीं शताब्दी से लेकर अब तक का समय, अब तक का समय क्या माना जाता है? आधुनिक काल माना जाता है। सत्रहवीं शताब्दी से लेकर और अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल माना जाता है। 2018 से 2020 चंद्री है, तो अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में बेटा जो जनसंख्या है वो बहुत तेज बढ़ी, यानी हम कह सकते हैं 1650 में तो जनसंख्या कितनी थी? मात्र 55 करोड़ थी। ठीक है, 1650 ईस्वी में मात्र 55 करोड़ जनसंख्या थी, ये वही 1750 में बढ़कर कितनी हो गई? 72 करोड़ हो गई। 1750 में 72 करोड़ हो गई और 1850 में, उसके बाद बता रहे हैं 1850 में 55 करोड़, ठीक है, 1750 में 72 करोड़, फिर बता रहे बेटे 1850 में, 1850 में 133 करोड़, और इसके अलावा 1950 में, 1950 में 200 करोड़। तो देखिए इनसे हमें पता चलता है 1650 ईस्वी में मात्र विश्व की आबादी 55 करोड़ थी, पर 100 सालों में मात्र लगभग 22 करोड़ बढ़ी। उसके बाद अगले 100 सालों में 72 से दोगुनी हो गई, 133 करोड़ हो गई, और 1850 से और 1950 100 सालों में विश्व की जनसंख्या 200 करोड़ हो गई। और यदि आज हम बात करें, यदि हम आज बात हम करें 2000 में, और ये 2000 में से बात करें 2000 में आबादी कितनी होगी बढ़कर बेटा? 610 करोड़। अब तुम लगा लीजिए, देखो पिछले 50 सालों में भाई 1950 में कितनी थी? 200 करोड़ थी, और 2000 इन 50 साल के अंतराल में जो जनसंख्या कितनी तेज गति से बढ़ी? 610 करोड़ हो गई। नहीं देखो 400 करोड़ से ज्यादा जो है जनसंख्या में देखने को मिलती है। हम सीधा ये कह सकते हैं पिछले 350 सालों में यदि हमें जनसंख्या में और देखे थी तो कह रहा है पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या, पिछले 350 सालों में विश्व की जो जनसंख्या है वो 12 गुना बढ़ी है, 12 गुना बढ़ी है।
पिछले 350 सालों में विश्व की जो आबादी है 12 गुना बढ़ गई है। और यदि आज हम बात करें तो 2014 तक की, यदि बात करें तो 2014 तक की विश्व की बात करें आबादी, तो 714 करोड़ विश्व की आबादी है। यानी आज जो है आबादी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई। इसी कारण संसाधन कम पड़ रहे हैं, विश्व में संसाधनों पर जो है बहुत से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो शक्तिशाली देश है छोटे देशों को हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, उनके संसाधन जो है हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे चाइना वहां ठग दे गई विस्तारवाद नीति है, सभी देशों के साथ उसके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। दक्षिण चीन महासागर उठाकर आप देख लीजिए, हिंद महासागर में सभी देशों के साथ उसके जो है संबंध खराब है। तो कहने का ये लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो संसाधनों की पूर्ति भी चाहिए, और संसाधनों की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं आपस में जो है एक दूसरे की संसाधनों को हड़पने का प्रयास चल रहा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी जो है विश्व में जनसंख्या जो वृद्धि क्यों बढ़ रही है, इसके कारण क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।